तो स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं, Q&A विसर्जी, जहाँ से बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंटर्स हमारे कमेंट करते हैं, व्यूवर्स हमारे कमेंट करते हैं। थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड वी आर गोइंग टू से सम वैल्यूबल कमेंट्स ऑन आवर सब्सक्राइबर्स, फॉर आवर सब्सक्राइबर्स, थ्रू विच दे कैन गेन सम नॉलेज, और इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। तो बिना लेट किए शुरू किया जाए अपना ये प्यारा सा प्रयास। विनोद सिंह जी का कमेंट हम पहले बार लेने वाले हैं। सर RTI फॉर्म आ चुका है, सर कृपया बताइए। विनोद सिंह जी, हम आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कुछ सीटें बहुत से प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्व रहती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट स्कूल कब निकालता है, कैसे निकालता है, कोई जरूर नहीं खड़े का स्कूल निकाले ही। तो आपको जाके मालूम करना पड़ता है, RTI का अलग फॉर्मेट मिलता है, अलग फॉर्म का शेड्यूल्स एक फॉर्म टाइप का मिलता है, इसमें आपको भरना होता है द फुल डिटेल्स, और उसके तहत ही एडमिशन होता है लिमिटेड सीट्स पर, जो कि लॉ है बाय द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सारे स्कूल्स को कुछ ना कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो लेते हैं, फॉर एग्जांपल DA पब्लिक स्कूल, BSEB कॉलोनी में RTE का एक अलग फॉर्म ही निकलता है, इसको आप भर के अपने बच्चों को इसमें एडमिशन करा सकते हैं। उसमें आपको फ़ी पे नहीं करना पड़ता और सहूलियत होती है ऐसे तबके के बच्चों को जो उस स्कूल में पढ़ने के लिए इतने उपयुक्त नहीं है, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस स्कूल में पढ़ाई कर सके। तो RTE के फॉर्म डिपेंड करता है स्कूल्स कब निकालते, जनरली जब स्कूल का डेट रहता है उसी समय के लगभग ये निकाले जाते हैं। तो विनोद सिंह जी, हम ऐसा करते हैं आपको एक प्रश्न मिल चुका होगा, और RTE के तहत एडमिशन्स होती हैं, ऐसी बात नहीं कि बहुत से स्कूल लेते भी हैं, बस आपको एक्टिव रहना और देखना है स्कूल में जाकर कि RTE का फॉर्म निकल चुका है कि नहीं। जनरली ये स्कूल के समय ही निकलता है, यानी एडमिशन के समय ही RTE के भी फॉर्म निकलते हैं। उसके बाद हमने गुप्ता जी, गुड इवनिंग, हम आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगी। सर प्लीज़ टेल मी, आई वांट टू टेक एडमिशन इन 8 क्लासेस इन ICSE, बट माय एडमिशंस इज नॉट हैपनिंग इन एनी स्कूल, इट सेज सीट इज नॉट ब्लैंक, सो समवन इज सेलिंग दैट सेइंग दैट एडमिशंस विल बी डन थ्रू द मैसेंजर ओनली एंड इट शुड बी 90%, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड आई डू, प्लीज़ हेल्प मी। ओके संजना गुप्ता जी, आप ही का प्रश्न नहीं है, हमको लगता है कि मैक्सिमम पेरेंट्स का यही प्रश्न होता है कि सर वली मैसेंजर्स क्या, मैसेंजर के थ्रू ही एडमिशन होता है, यहाँ मैसेंजर्स वर्ड यूज करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, मैसेंजर इज इन द गुड सेंस, आपको बोल सकते हैं आप सिंपली किसी व्यक्ति के थ्रू एडमिशन्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि 90% सीट से जो है इस तरह के स्कूल लेती हैं, ऐसे बात नहीं है, हमारे अनुसार तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे अनुसार स्कूल्स रियल ही लेते हैं, कुछ अगर पीछे हो तो उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रियल एग्जामिनेशन के थ्रू, रियल एग्जाम्स के थ्रू ही बच्चे क्रैक करते हैं और जाते हैं। अभी लगता है बहुत लोगों को कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा है, हमारा बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करके आया है तो मेरे बच्चे का क्यों नहीं हुआ, ऐसे हर एक पेरेंट्स के मन में ऐसी रहना लाजमी है उनके मन में इस तरह की बातों का होना, लेकिन स्कूल 90% 95% उनके थ्रू ही एडमिशन लेता हो ये शायद अच्छा नहीं होगा उनके बारे में बोलना और उनके बारे में कहना। लेकिन ICSE बोर्ड में जनरली क्लास 8 की वैकेंसी बहुत लिमिटेड स्कूल्स में आती है। देखिए होता ये है, हर एक पेरेंट्स इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि वैकेंसी जनरली LKG और UKG की निकलती है, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 7, क्लास 8 की वैकेंसी कैजुअल ही निकलती है, रेगुलर बेसिस पे नहीं निकलती है। आई रिपीट, जो रेगुलर वैकेंसी है वो LKG की और UKG की, वो भी UKG के रेगुलर बेसिस पे निकलती है, LKG की मैंडेटरी है कि हर एक स्कूल में निकाली जाती है। ये जो वैकेंसी है क्लास 3 की, क्लास 4 की, क्लास 5 की, क्लास 8 तक की वैकेंसी जो है वो कैजुअल बेसिस पे निकाली जाती है, और हमारे अपने एनालिसिस के अनुसार, अपने रिसर्च टीम के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि क्लास 8 और क्लास 9 की वैकेंसी जनरली नहीं निकलती टॉप स्कूल्स में। आपको शुरू से ही बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा तभी वो बच्चे 8 और 9 में जाएंगे। जनरली इस स्कूल में वैकेंसी बहुत लिमिटेड निकलती भी है तो बहुत लिमिटेड निकलती है, और ऐसा नहीं है कि 90% 95% सीट से मैसेंजर्स के बदौलत ही भरी जाती हैं, तो ऐसे कोई एग्जाम में बैठता ही नहीं। हाँ, डिपेंड करता है कि हाउ द स्टूडेंट्स आर इंटरेक्टिव, बिकॉज क्लास 1 और क्लास 2 के बाद रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चों का एडमिशन होता है। अगर बच्चा रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं करेगा तो उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि अगर बच्चे को अभ्यास कराया जाए, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, व्हाट आर द क्वेश्चन टेक्निक्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन, टेक्निक्स पर हम लोग कोर कॉन्सेप्ट करेंगे, क्या क्या ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे बच्चे परफॉर्म करके, याद करके अपने एग्जाम्स को और अच्छे से सहूलियत से क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद हम फरानाथ जी का लेना चाहेंगे प्रश्न, सर क्लास 1 DPS में नहीं है, DPS की वैकेंसी निकल चुकी है, इस बार क्लास 1 की वैकेंसी अभी नहीं निकली। फरानाथ जी, हम चाहेंगे कि इसका जो वैकेंसी आई थिंक इसका अक्टूबर या नवंबर में आने वाला है, तो जैसे उसके वीडियोस, जैसे ही स्कूल अपना नोटिफिकेशन अपलोड करेगा हम उसको अच्छे से डिकोड करने का प्रयास करेंगे। क्रिज 58, सर जी कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं बता दे प्लीज़। तो ये वैकेंसी आप सबको लग रहा है कि आप पूछ रहे हैं DPS की, DPS का फॉर्म फिलअप हो चुका है, बहुत से बच्चे उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप भी नहीं चूके और अच्छे से फॉर्म को फिलअप करने दें। शाहिदा इजा,
सर जी मेरे बच्चे का क्राइस्टचर्च उसी ने स्कूल में रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई कर गया है, बट इंटरव्यू में बता दिया वनली फीवर के वजह से क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम बच्चे को फीवर था, वनली फीवर की वजह से क्योंकि इंटरव्यू के टाइम बच्चे को फीवर था। ये डिपेंड करता है स्कूल का मैनेजमेंट कमेटी पर। साहिदान आज जी आप जाके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से अपने ये बात रखें तो हम आशा करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो कोई एक्शन लेंगे और उनका फिर से शायद इंटरव्यू करा ले, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। उसके बाद हम देखना चाहें आशा यूट्यूब चैनल सर डॉन बॉस्को और संजीव एस के क्लास वन की वैकेंसी की जानकारी दे। जनरली क्लास वन की वैकेंसी जो है इस स्कूल के अभी तक नहीं निकली है। फॉर एग्जांपल जो आप बोल रहे हैं डॉन बॉस्को एकेडमी जितने भी टॉप स्कूल्स हैं एक हम रिपीट करना चाहेंगे क्लास वन की वैकेंसी इस पर सबसे कम निकली है। डॉन बॉस्को में, संत माइकल्स में, संजीवियर्स में भी, संजीवियर्स में निकली थी, लेकिन बहुत से टॉप स्कूल्स हैं उनका क्लास वन की वैकेंसी लिमिटेड ही निकाली है और निकाली भी है तो ना के बराबर निकाली। जैसे वैकेंसी उनकी आउट होगी हम आप तक खबर देने का जरूर प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखना चाहेंगे हंगर फूड कैफी सर जी प्लीज़ रिप्लाई, हम जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। बहुत से आवर व्यूवर्स जो है हमको रिप्लाई उसके उस समय ही दे दिया जाता है या विद इन 3 to 4 days दे दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनको हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट फॉर लेट रिप्लाई ऑल्सो। सर जी क्या फोर्थ की वैकेंसी निकलेगी? सेंट माइकल्स की फोर्थ की वैकेंसी इस साल तो अभी नहीं निकली है, लेट सी शायद निकल जाए, लेकिन चांसेस कम है क्लास फोर की वैकेंसी निकल चुकी है, स्कूल से निकाल दिया है स्कूल ने, तो शायद इस बार चांसेस कम है क्लास फोर की वैकेंसी निकले। सर जी गुड इवनिंग, एक सवाल है आपसे, आपके यहाँ जिन जिन बच्चों का एनरोलमेंट हुआ था इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया अपने पहले वाले पैक वीडियोज़ में, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द मिशन एडमिशन 2023-2024 इन पटना स्टॉप स्कूल। बहुत सारे कमेंट्स आपके आए, थैंक फॉर कमेंटिंग, थैंक्स फॉर एनरोलिंग, थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इन आवर चैनल फॉर सब्सक्राइबिंग। अभी हम बहुत सारे वीडियोज लेके आ रहे हैं बैक टू बैक, हमारे बहुत से 1-to-1 वीडियो आने वाले हैं। पहली बार हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूल, ऐसे वीडियोज हमारे बैक टू बैक आते रहे। तो मिलते हैं आपने और अच्छे और जानदार बेटे साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर जी जय हिंद जय।